एक बार एक रघु नाम का लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे। मंदिर में ढोलकी बजाकर जो पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता था। एक दिन जिस सेठ ने मंदिर बनवाया था उसकी मृत्यु हो गई थी और मंदिर का संचालन उसके बेटे के पास आ गया था, जो विदेश से पढ़कर आया था। उसने एक नियम बना दिया कि मंदिर का कोई भी कर्मचारी ऊँटा छाप नहीं होना चाहिए। वह पूरा अनपढ़ था, इसलिए उसकी नौकरी चली गई। रघु जो संतोष से ज़िंदगी जी रहा था वह भगवान को उलाहना देता था। आपने मुझे अंगूठा छाप क्यों बनाया? मंदिर में आने वाले भक्तों को उसकी नौकरी चली जाने का दुख होता था, तो कुछ भक्तों ने मिलकर मंदिर के सामने खाली पड़ी जमीन पर पूजा का काम करने वाला धूप अगरबत्ती प्रसाद आदि का ठेला लगवा दिया। उसके पिता मरने से पहले धूप अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपने पिता से धूप अगरबत्ती बनाना सीखा था। अपने ठेले पर बेचने वाले धूप वह स्वयं बनाता, जिसकी सुगंध पूरे घर या मंदिर को मंगलमय बना देती। धीरे धीरे उसके धूप अगरबत्ती की मांग बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे तरक्की करता रहा। 25 साल बाद उस मंदिर का प्रबंध किसी और के पास आ गया। उसने मंदिर का नवीनीकरण कराने की सोची। उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए चंदा इकट्ठा करने की सोची। चंदा लेने के लिए जब मंदिर के लोग उसके पास पहुँचे तो उसने 5 लाख का चेक भरकर उस पर अंगूठा लगा दिया। किसी ने उससे पूछा, आपने यह चेक स्वयं भरा तो उस पर अंगूठा क्यों लगाया? उसने जवाब दिया, भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए उसने अंगूठा लगाया है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। वह बोला, मैं समझा नहीं। उसने उसे बताया कि जिस मंदिर के लिए तुम मुझे से आज चंदा मांगने आए हो, उस मंदिर में मैं पहले ढोलकी बजाने का काम करता था। मेरे अंगूठा छाप होने की वजह से मुझे मंदिर से निकाल दिया गया। मंदिर से निकाल देने पर मैंने धूप अगरबत्ती की दुकान खोली और बाद में उसका कारखाना। मेरी शादी हो गई और मुझे मेरी पत्नी ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं पढ़ लिख गया और अब मैं BA पास हूँ। मैं अब भी अंगूठा भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए लगाता हूँ। अगर उस समय भगवान ने मुझे अंगूठा छाप ना बनाया होता तो मैं शायद आज भी किसी मंदिर में ढोलकी बजा रहा होता। अगर आज आपको भगवान ने मुसीबत में डाला है तो शायद उसने आपके आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रखी है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।